हेलो गाइस राशि की रसोई में सबका स्वागत है गाइस आज मैं एक बना रही हूँ नई रेसिपी जिसका नाम है स्वीट ब्रेड पॉपकॉर्न जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो झटपट आप उसी टाइम पे बना सकते हैं तो चलो इसे हम बनाना शुरू करते हैं तो गाइस यहाँ पर मैंने लिए ब्रेड के चार पाँच स्लाइसेज साथ में आधी कटोरी चीनी लिए और दो चम्मच ही बटर लिया हुआ है तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रेड को काटना और हमें छोटे छोटे क्यूब में काटना है तो ब्रेड हमारी यहाँ पे सारी कट चुकी है तो चलते हैं हम अगले प्रोसेस पे तो कहीं से यहाँ पे कढ़ाई हमारी गर्म है तो इसमें सारे क्यूब्स डाल देते हैं तो इसको हमें हल्के हाथ से चलाना है इसको हमें सेकना है तो कहीं देखिए यहाँ पे हमारी ब्रेड जो है कलर चेंज हो गया और ये हमें तब तक पकाना है इसको जब तक गोल्डन कलर आ जाए और साथ में सारे क्रिस्पी हो जाए तो यहाँ पे हमारे क्यूब जो है सारे तैयार हो चुके हैं है, हमें इसे पकाने में ज़्यादा से ज़्यादा पाँच से सात मिनट तो लगेंगे तो ये बन तैयार है तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब हम यहाँ पे कढ़ाई में डालेंगे चीनी तो कहीं यहाँ पे मैंने कढ़ाई में चीनी डाल दिया साथ में ऐड कर रही हूँ मैं दो से तीन चम्मच पानी तो इसको मैं हल्के यहाँ पे पकाना है कि चीनी अच्छे से पक जाए तो कहीं यहाँ पे हल्की चीनी पक गई है साथ में ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे बटर जो इसका टेस्ट बढ़ाएगा साथ में अच्छा एक टेक्स्चर भी आएगा इसके साथ साथ बटर मेल्ट हो गया और अब साथ साथ ऐड करेंगे दूध तो गाइस इसे हमें साथ चलाते हुए दो से तीन मिनट तक पका लेंगे जब तक अच्छा गाढ़ा हो जाए तो गाइस जी कि चीनी दूध हमारा सब कुछ मिक्स हो चुका है तो अच्छा कलर भी गया इसमें हम सारी अपनी ब्रेड क्यूब्स डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे तो कैसे यहाँ पे हमारे अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं गैस को कर देंगे बंद और निकालेंगे एक प्लेट पे तो कैसे यहाँ पे ध्यान रखें सारे क्यूब्स को अलग अलग कर देने तो चिपक जाएंगे और इसको हमें दस पंद्रह मिनट तक ठंडे होने देना है इसको अच्छे से ताकि एकदम क्रंची हो जाए तो कैसे हमारे ब्रेड स्वीट पॉपकॉर्न बन तैयार हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें